आज मेसी के वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा अगर किसी की हार के चर्चे हैं वो है एम्बावे। 23 साल के इस लड़के ने वो करके दिखा दिया जो 37 साल के रोनाल्डो भी नहीं कर पाए। 19 साल की उम्र में इस लड़के ने अपने दम पर फ्रांस को 2018 का वर्ल्ड कप जितवाया। मेसी के सामने गोल्डन बूट लेके जाता है। ऑल टाइम वर्ल्ड कप रैंकिंग में 6वें नंबर पर जिसने सबसे ज्यादा गोल किया। वर्ल्ड कप में हैट्रिक मारी जो 1966 के बाद किसी ने नहीं मारी। पर क्या आप यकीन करेंगे कि ये वही लड़का है जिसने 8 साल की उम्र तक ब्रेड के अलावा कुछ नहीं खाया। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार शाम को खाना खाने के टाइम इनकी माँ इनके पास आती और रो पड़ती और कहती कि बेटा मुझे माफ कर देना, हम आज का खाना अरेंज नहीं कर पाए। ये लड़का रोनाल्डो के लिए इतना पागल था कि बचपन में इसके पूरे कमरे में रोनाल्डो के ही फोटो थे और उन फोटोज के साथ ये अकेले में बात करने लग जाता और अपनी माँ से कहता कि बड़ा होकर मैं अपने आइडल रोनाल्डो से जरूर मिलूंगा। आप सोचिए जरा, कहाँ बचपन में इतने बुरे हालात और आज रोनाल्डो और मेसी से भी ज्यादा सिर्फ खेलकर कमा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है 20 दिसंबर 1998 को पेरिस से जहाँ इनका जन्म हुआ। परिवार की इनकम ना के बराबर थी, पूरी फैमिली एक टाइम ही खाना खाती थी और कई बार तो एक टाइम का खाना भी मुश्किल हो जाता था। एम्बावे के पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे और जब ये खेलने के लिए बाहर निकलता तब ये अपने पिता के जूते पहनकर निकलता। लेकिन एक 7 साल के बेटे के लिए उनके पिता के जूते काफी बड़े रहते थे, इसलिए ये जूतों के अंदर आगे की साइड कागज भर देता ताकि जूते बार बार न खुले। इतनी मुश्किलों से लड़ने के बाद भी एम्बावे काफी खुश रहते थे और अपनी माँ से कहा करते थे कि एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद जब एम्बावे ने अपने पिता को ये बात बताई कि वह स्कूल छोड़कर फुटबॉलर बनना चाहता है तो इसके पिता ने इसका फुल सपोर्ट किया और इसे अपने साथ इंस्टीट्यूट ले जाने लगे। एम्बावे और उसके पिता रोज 11 किलोमीटर पैदल चलकर जाते और वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद 11 किलोमीटर पैदल चलकर आते। कई सालों की मेहनत के बाद जब ये 14 साल का हुआ तब जिनादिन जिदान ने इसे रियल मैड्रिड के साथ प्रैक्टिस के लिए इन्वाइट किया, जहाँ इसका अपनी माँ को बताया हुआ सपना पूरा हुआ जो था क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलना, क्योंकि उस टाइम रोनाल्डो रियल मैड्रिड के साथ खेला करते थे। रोनाल्डो से मिलने के बाद एम्बावे की मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ गई और इसके बाद इसने अपने प्रैक्टिस को डबल कर दिया। इसकी काबिलियत को देखते हुए चेल्सी क्लब ने एम्बावे को फुटबॉल ट्रायल के लिए लंदन बुलाया। इस इनविटेशन पर ये अपनी माँ के साथ लंदन पहुँच गया और वहाँ पर अपने फुटबॉल की स्किल से चेल्सी के मेंबर को चौंका कर रख दिया। लेकिन फिर भी चेल्सी के मेंबर उस एक ट्रायल से संतुष्ट नहीं थे कि एम्बावे को अपनी टीम में खेलने का मौका दिया जाए या नहीं, तो चेल्सी के मेंबर ने एम्बावे को सेकेंड ट्रायल के लिए 3 महीनों के बाद वापस इन्वाइट किया। लेकिन एम्बावे की माँ ने चेल्सी क्लब को ये बोल दिया कि मेरा बेटा फिर से ट्रायल के लिए नहीं आएगा, अगर आपको अपने टीम में लेना हो तो अभी लो, वरना अगले 5 सालों में फिर से मेरे बेटे को अपनी टीम में लेने के लिए आपको 50 मिलियन यूरोज देने पड़ेंगे। एम्बावे की माँ की बात को सुनकर चेल्सी क्लब ने एम्बावे को उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया, ये सोचकर कि ये 14 साल का बच्चा क्या ही कर लेगा। लेकिन कुछ सालों बाद 31 अगस्त 2017 को पीएसजी ने इसकी माँ से कही हुई अमाउंट से 4 गुना ज्यादा पैसा देकर एम्बावे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सीधी भाषा में बोलूं तो 182 मिलियन यूरो, भारतीय रुपयों में बताऊं तो 1580 करोड़ रुपए। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इस टीम में खेलने के लिए जो उन्हें नेट सैलरी मिलेगी वो है 590 करोड़ रुपए। इसके अलावा साइनिंग बोनस की वैल्यू होगी 1500 करोड़ रुपए और तीसरा कॉम्पोनेंट है लॉयल्टी बोनस, जिसके अकॉर्डिंग एम्बावे को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पहले साल 575 करोड़ रुपए लॉयल्टी बोनस मिलेगा, सेकेंड ईयर में मिलेगा 660 करोड़ रुपए और थर्ड ईयर में मिलेगा 740 करोड़ रुपए। अगर हम तीनों सालों के पैसों को एक साथ कर दे तो एम्बावे को 3 साल के मिल रहे हैं 5250 करोड़ रुपए और इसी के साथ इनके नाम दर्ज हो जाता है दुनिया का सबसे महंगा टीनेज खिलाड़ी बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस क्लब के लिए एम्बावे ने पूरी जान लगा दी और टीम को कई सारे मैच भी जितवाए। 30 जून 2018 को फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के मैच में इन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ 2 गोल दागे और फाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ इन्होंने 1 और गोल दागकर टीम को वर्ल्ड कप जितवाया और ये पेले के बाद दुनिया के दूसरे ऐसे इंसान बने जिन्होंने टीनेज में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में कोई गोल किया। लेकिन इसने वर्ल्ड कप 2018 से जितने रुपए भी जीते उन पैसों को ऐसे बच्चों के लिए दान कर दिया जो सपना देखते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर आर्थिक स्थिति के कारण कोई कदम नहीं ले पाते क्योंकि इन्होंने खुद बहुत संघर्ष और गरीबी देखी है, इसलिए ये नहीं चाहते कि मेरा जैसा संघर्ष बाकी बच्चों को देखना पड़े। रोनाल्डो जैसे महान खिलाड़ी अपने देश के लिए वर्ल्ड कप नहीं जीता पाए जबकि उनका क्लब करियर सबसे बेस्ट है, वहीं 23 साल के एम्बावे में 2026 का वर्ल्ड कप जितवाने की काबिलियत है क्योंकि ये वही खिलाड़ी है जो मेसी की तरह ट्रेवलिंग करते हैं, वहीं छोटे कद के होने के बावजूद भी ये रोनाल्डो की तरह हेडर मारते हैं, हुसैन बोल्ट की तरह तेज दौड़ते हैं। इन्होंने जिस तरह 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में मेसी के मुंह से ऑलमोस्ट जीत छीन ही ली थी उसके बाद इनकी दुनिया फैन हो गई, सबको लगा कि एक गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जा रहा है तो दूसरा तैयार है। सोचिए अभी तक इसने 2 ही वर्ल्ड कप खेले जिसमें इसने 66 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ कर रख दिया। अगर ये रोनाल्डो और
मेसी की तरह 3-4 वर्ल्ड कप और खेलेगा तो ऐसे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा जो भविष्य में शायद कोई तोड़ नहीं पाएगा या टूटने में काफी समय लग जाएगा। लेकिन आप याद करिए कि ये वही खिलाड़ी है जिसने रोनाल्डो की फोटो कमरे में लगाकर सपना देखा था कि एक दिन वह रोनाल्डो से जरूर मिलेगा और आज रोनाल्डो और मेसी से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई करता है। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी के पास बेस्ट गोलकीपर मार्टिनी था, बेस्ट मिडफील्डर थे, लेकिन फ्रांस के पास सिर्फ एम्बावे था और उसने वो करके दिखा दिया जो खुद मेसी भी नहीं कर सके। और एक यही कारण है कि फ्रांस के राष्ट्रपति और अर्जेंटीना के गोलकीपर भी अपने आप को नहीं रोक पाए। मेरे हिसाब से मेसी वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व करता था पर एम्बावे वर्ल्ड कप हारना डिजर्व नहीं करता था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में बता देना कि आप अगला वीडियो किस पर चाहते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।